हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। अतः इस वीडियो में असी करांगे PSEB क्लास 10th इंग्लिश द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस। इस चैप्टर की रीडिंग अतः लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन पंजाबी। फ्रेंड्स, इस गल का ध्यान रखो कि इस वीडियो में असी इस चैप्टर नूं पढ़िया नाल दी नाल पंजाबी विच एक्सप्लेन भी किया है, पर जे आप सारे ने साडे नाल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो असी उसकी अलग तो वीडियो बनाई है जिसका लिंक थले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिता गया है। तो पाठ की पूरी तरह तैयारी लिए आप सारे विद्यार्थी उस वीडियो में भी जरूर देखो। तो जे अजे तक आप सारे ने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो ताकि नवी वीडियोस आप सारे समय से प्राप्त हो सकन। और शुरू करते हैं। तो सब तो पहला लिखा, द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू, ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफायर्स फॉर आईज एंड अ रूबी इन हिज सॉर्ड। व्हाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड एंड द प्रेशियस स्टोन्स दैट ही हैड। तो इतने सूँ दसिया गया कि हैप्पी प्रिंस है वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू से, बहुत ही सुंदर बुद्ध से, तो पूरा सोने नाल कवर्ड से, उस दी अखां विच नीलम लगे हुए सन, तलवार की मुठ्ठी विच लाल मणि सी, लाल हीरा सी। तो उस तो बाद साढ़े तो पूछा गया कि वो अपना सोना अते अपने प्रैशियस स्टोनस जिहड़े कि रूबी ते सफायर है उस तो अलग क्यों होना चाहता सी। तो वो असी हुण कहानी विच पढ़ांगे। तो सब तो पहला लिखिया, हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कॉलम का अर्थ हुंदा पिलर, तो इसका अर्थ है कि शहर विच काफ़ी ऊंचाई ते एक टॉल कॉलम ते एक पिलर ते हैप्पी प्रिंस का स्टैचू सी। ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड का अर्थ मतलब हुंदा कवर्ड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट। तो पूरे सोने नाल वह कवर्ड सीगा, तो उस दी अखां विच दो ब्राइट सफायर्स, दो नीलम लगे हुए सन, ते ला ते उसकी तलवार की मुठ्ठी, सॉर्ड हिट का मतलब हुंदा तलवार की मुठ्ठी विच रेड रूबी, लाल मणि या लाल हीरा लग्या होया सी। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटल स्वैलो, स्वैलो का मतलब हुंदा अब्बा बील पंछी। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर बट ही स्टेड बिहाइंड, दैन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। तो होया कि एक रात उस शहर के उपर एक छोटा अब्बा बील उड़ता होया आया, तो उसके दोस्त 6 हफ्ते पहले ही इजिप्ट मिसर जा चुके सन, पर वह पिछे ही रह गया सीगा, फिर उसने मिसर जाने का फैसला किया। ऑल डे लोंग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइवड एट द सिटी। तो पूरा दिन वह उड्डिया, रात के समय वह शहर विच नगर विच आ गया। वेयर शैल आई पुटअप, पुटअप का मतलब हुंदा रेस्ट करना या रुकना। ही सैड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशंस। तो अब्बा बील अपने आप नूं पुछदा है कि मैं कित्थे ठहरांगा, फिर वह यह सोचता है कि मैनू आस है कि नगर ने मैनू ठहराउण दीआं तैयारियां कर लईआं हन। दैन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसने उच्चे थम उपर खड़े एक बुत नूं देखिया, हैप्पी प्रिंस दे स्टैचू नूं देखिया। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रैश एयर, सो ही एलाइटेड, एलाइटेड का मतलब हुंदा थल्ले उतर आना, जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो अब्बा बील ने उच्ची आवाज़ विच कहा कि मैं इत्थे ही रुकांगा, तो यह एक चंगा स्थान है जिथे हवा भी काफ़ी फ्रैश है, एयर भी काफ़ी फ्रैश है। तो वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के विचकार उतर आया। आई हैव अ गोल्डन बैडरूम, ही सैट सॉफ्टली टू हिमसैल्फ एज ही लुकड राउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हैड अंडर द विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वॉटर फैल ऑन हिम। वट अ क्यूरियस, क्यूरियस का अर्थ हुंदा विचित्र थिंग, कि अजीबो गरीब चीज़ होनी भी क्यूरियस चीज़ होना। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लीयर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। तो अब्बा बील अपने आप को की कह रहा है, वह कह रहा है मैंने एक सुनहरा सोने का कमरा मिल गया। तो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के थले वाली जगह को कह रहा है कि एक सुनहरा सोने का कमरा मैंने मिल गया। तो फिर उसने चारों पास देखा, तो वह सोन लिए बिल्कुल तैयार से। तो जो सोन लगा एक पानी की बूंद उसके उपर अड़ गई, तो यह सोचता भी कितनी अजीब जी गल है, क्यूरियस थिंग, कितनी अजीब जी गल हो गई कि आसमान में बदल भी नहीं है फिर भी पानी है गिर रहा, फिर भी मीह पै रहा। दैन एनअदर ड्रॉप फैल, फिर एक होर बूंद डिग गई। What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away. तो अब्बा बील पंछी ने सोचा भी इस स्टैचू का फायदा की है जो बारिश की बूंदा कि मीह भी नहीं रोक सकता, फिर वो यह सोचता कि मैं चिमनी पॉट लभांगा तो उधर जाके सोवांगा।
But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, oh, what did I see? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ. ਦ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਟੀਅਰਸ ਐਂਡ ਟੀਅਰਸ ਵਰ ਰਨਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹਿਸ ਗੋਲਡਨ ਚੀਕਸ. ਹਿਸ ਫੇਸ ਵਾਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨ ਦ ਮੂਨਲਾਈਟ ਡੈਟ ਦ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ ਵਾਸ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਪਿਟੀ. ਪਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਬੀਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਛੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਰਡ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਬਾ ਬੀਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ. ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਹੀ ਸੈਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ. ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਾਂ, ਸਟੈਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਵੀਪਿੰਗ ਦੈਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਸ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਅੱਬਾ ਬੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ. ਯੂ ਹੈਵ ਕੁਆਈਟ ਡਰੈਂਚਡ ਮੀ. ਡਰੈਂਚਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਿਓ ਦੇਣਾ, ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਅਤੇ ਅੱਬਾ ਬੀਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੈਚੂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਈਵ ਐਂਡ ਹੈਡ ਏ ਹਿਊਮਨ ਹਾਰਟ, ਅਨਸਰਡ ਦਾ ਸਟੈਚੂ, ਆਈ ਡਿਡ ਨੋਟ ਨੋ ਵਟ ਟੀਅਰਸ ਵਰ ਐਂਡ ਫੋਰ ਆਈ ਲਿਵਡ ਇਨ ਦਾ ਪੈਲੇਸ ਵੇਅਰ ਸੋਰੋ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਐਂਟਰ. ਮਾਈ ਕੋਟੀਅਰਸ ਕਾਲਡ ਮੀ ਦਾ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਇਨਡੀਡ ਆਈ ਵਾਜ਼. ਸੋ ਆਈ ਲਿਵਡ ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਡਾਈਡ. And now that I am dead, they have set me up so high that I can see ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. The happy prince Abba Bil nu kehnda hai ki jadon tak main jiunda siga te mere kol human heart siga te mainu ai nahi si pata vi hanju ki hunde han. ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਧਰ ਕਿ ਗਮਾਂ ਦਾ ਸੋਰੋਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਕੋਟੀਅਸ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੂਪਤਾ, ਅਗਲੀਨੈਸ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰੋਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ. ਵੀ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੋ ਹੀ ਸਕਦਾ. ਵਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਨੋਟ ਸੋਲਿਡ ਗੋਲਡ, ਸੈਡ ਦਾ ਸੈਲੋ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਹੀ ਵਾਸ ਟੂ ਪੋਲਾਈਟ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨੀ ਪਰਸਨਲ ਰਿਮਾਰਕਸ. ਅਤੇ ਅੱਬਾ ਬੀਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੋਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਬੀਲ ਪੰਛੀ ਹੈ ਸੈਲੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਸਟੈਚੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਫਾਰ ਅਵੇ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਇਨ ਅ ਲੋ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਵੋਇਸ, ਫਾਰ ਅਵੇ ਇਨ ਅ ਲਿਟਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੂਅਰ ਹਾਊਸ. ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ. ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਐਂਡ ਥਰੂ ਇਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਅ ਵੂਮੈਨ ਸੀਟਡ ਐਟ ਦ ਟੇਬਲ. ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ. ਹਰ ਫੇਸ ਇਜ਼ ਥਿਨ ਐਂਡ ਵੋਰਨ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਕੋਰਸ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਸ ਆਲ ਪ੍ਰਿਕਡ ਬਾਏ ਦਾ ਨੀਡਲ, ਫੋਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ, ਥਿਨ ਐਂਡ ਵੋਰਨ, ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸਦਾ ਫੇਸ ਹੈ. ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਰਦਰਾ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੁਰਦਰੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਕਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਕੇ ਹੋਏ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੂਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੇਕੀ ਗਈ ਹੈ. ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਖੁਰਦਰੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ. ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ. ਸੀਮਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਦਰਜਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਮਬਰੋਇਡਰਿੰਗ ਫਲਾਵਰਸ ਔਨ ਅ ਸੈਟਿਨ ਗਾਊਨ ਫੋਰ ਦਾ ਲਵਲੀਐਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਈਨਸ ਮੇਡਸ ਆਫ ਓਨਰ ਟੂ ਵੀਅਰ ਐਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਟ ਬਾਲ. ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਜਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾਊਨ, ਸੈਟਿਨ ਦੇ ਗਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੈਟਿਨ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐਮਬਰੋਇਡਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੇਡ, ਕੁਈਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਮੇਡ ਦੇ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਸ ਮੇਡ ਨੇ ਉਹ ਗਾਊਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ? ਕੋਟ ਬਾਲ, ਦਰਬਾਰੀ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਗਾਊਨ ਨੂੰ. ਇਨ ਅ ਬੈਡ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਰੂਮ ਹਰ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਇਜ਼ ਲਾਇੰਗ ਇਲ. ਹੀ ਹੈਜ਼ ਫੀਵਰ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਔਰੇਂਜਸ. ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਬਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ, ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਰਾਇੰਗ. ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਔਰੇਂਜਸ ਦੀ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ. ਸਵੈਲੋ ਲਿਟਲ ਸਵੈਲੋ, ਵਿਲ ਯੂ ਨੋਟ ਬ੍ਰਿੰਕ ਹਰ ਦਾ ਰੂਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈ ਸੋਲਡ ਹਿਟ? ਮਾਈ ਫੀਟ ਆਰ ਫਾਸਟਨ ਟੂ ਦਿਸ ਪੈਡੀਸਟਲ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਮੂਵ. ਅੱਬਾ ਬੀਲ, ਛੋਟੇ ਅੱਬਾ ਬੀਲ,
कि तू उस दर्जन उस कपड़े सीण वाले स्त्री नू रूबी मेरी तलवार की मुठ्ठी तो कट के रूबी नहीं देके आ सकता। मेरे पैर है फास्ट एंड बनने हुए ने टू दिस पेडेस्टियल कि मेरे पैर ने स्टोकी नाल बनने हुए ने ते मैं मूव भी नहीं कर सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लोटस फ्लावर्स सून दे विल गो टू स्लीप। तो वो जो अब्बा बीला कहता भी मेरा इजिप्ट मिसर विच इंतजार हो रहा तो जोड़े मेरे दोस्त ने मेरे मित्र ने वो नाइल की एक नदी का ना कि वह नील नदी के उपर उड़ रहे हैं नाइल नदी के उपर उड़ रहे हैं तो कमल के फुलों नाल गल्लां भी कर रहे हैं तो जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड। तो जो प्रिंस ने राजकुमार ने उसके स्टैचू ने अब्बा बील नू कहा कि तू एक रात रुक के मेरा मैसेंजर मेरा दूत या संदेशवाहक नहीं बन सकता कि वह जो मुंडा है वह कि ज़्यादा प्यासा है तो जी उसकी मदर वो किन्नी उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो स्वेलो ने कहा कि मैनू मुंडे चंगे नहीं लगते तो मैं तो इजिप्ट जाना। बट द प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटल स्वेलो वॉज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी लग रहा है तो सैलो के मन में दया आ गई। उसने कहा कि इतने बहुत ठंड है सैलो ने कहा पर उसने कहा कि चलो एक रात मैं रुक जाता तो तेरा मैसेंजर दूत बन जाता हाँ। थैंक यू लिटल सैलो सैड द प्रिंस। फिर प्रिंस ने सैलो का धन्यवाद किया। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस सॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन द बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। तो फिर उसने की किया अब्बा बील ने की किया उसकी सॉर्ड विचों तलवार की तलवार विचों जो रूबी सीगा हीरा लाल मणि या हीरा सीगा उसनू कढ़िया तो अपनी चुंझ विच फसा के उड़ गया। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वह गिरजाघर के मीनार के उपरों उड्डिया वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पटड जिथे सफेद संगमरमर के देवदूत तराशे हुए सन। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग वो महल के कोलों भी गुजरिया तो उसने डांसिंग डांस की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विद हर लवर एक सुंदर जी लड़की छज्जे उपर अपने लवर ने नाल अपने लवर के नाल अपने प्रेमी के नाल आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल शी आंसर्ड I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. ते वो नो लेडी की करी कि मैं आस कर दिया मैं उम्मीद कर दी हाँ कि जेड़ी मेरी ड्रेस है वो दरबारी नाच दे समय तक तैयार हो जाएगी ते मैं अपनी ड्रेस के ऊपर फुल्लां दी एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई भी करानी है पर जेड़े कपड़े सीन वाली औरतां हुंदियां हन सीमस्ट्रेस हुंदियां वो किन्नियां सुस्त हुंदियां हन। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स। तो फिर वो जो स्वेलो है वह नदी के उपरों भी गुजरिया तो उसने जहाज के मस्तूलों नाल लालटेन लटकते हुए देखे। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुकड इन अखीर में वो गरीब घर में पहुँच गया तो उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरशली ऑन हिज बैड एंड द मदर हैड फॉलन एसलीप शी वॉज सो टायर्ड। जो बॉय सेगा मुंडा सेगा बुखार नाल तड़फ रहा सेगा तो उसकी माँ थक के सो चुकी सी। इन ही होप्ड वी उछलिया एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वूमेन्स थिंबल। तो इस वेलो उछलिया तो उसने वूमेन के थिंबल के कोल तार के छले के कोल टेबल से रूबी नू रख दिता। दैन ही फ्लू जेंटली अराउंड द बैड फैनिंग द बॉयज फोरहैड विद हिज विंग्स। तो फिर अपने खंभ फटफड़ा के मुंडे के फेस के कोल अपने खंभ फटफड़ा के उड़ गया। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय It must be getting better, and he sank into a delicious slumber. तो slumber का मतलब होंगे नींद। तो हूँ बॉय की क्या भी बॉय की सोच रहा है बॉय सोच रहा है भी मैं कितना ठंडा महसूस कर रहा हाँ हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक हो रही हो तो उस मुंडे को नींद आ गई। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. तो स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस को जाता फिर उस दसदा भी उसने की किया कहता। फिर स्वेलो कहता कि बड़ी अजीब जी गल है कि मैं काफ़ी वार्म फील कर रहा भावें कि इधर बहुत ठंड है। तो स्वेलो वार्म क्यों फील कर रहा क्योंकि उसने बहुत ही नेक कम किया। दिस इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सैड द प्रिंस एंड द लिटल स्वेलो बिगैन टू थिंक एंड दैन फेल एसलीप।
थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। तो प्रिंस ने भी आई कहा कि तू चंगा काम किया, इस करके तेनू है वॉर्म फील हो रहा है। तो उस तो बाद की होया, तो वह सोच लग गया, अब्बा बीर पंछी सोच लग गया, तो उसनों नींद आ गई, तो सोच उसनों नींद आ जाती सी। वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। फिर उठ्या जिहड़ा स्वेलो है, तो उसने हैप्पी प्रिंस नूं कहा कि तैनू इजिप्ट विच मिसर विच कोई काम है कि मैं हुण जस्ट जाण वाला ही हाँ। स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो, सैड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लोंगर। फिर उसने स्वेलो नूं कहा कि तू मेरे को एक रात होर रुक सकदा है। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो, वी मेरा इजिप्ट विच मिसर विच इंतजार हो रहा। स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो, सैड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। ते गैरेट की होंगे छत विच एक छोटा जा कमरा। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विथर्ड वॉयलेट्स। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट एंड ही हैज अ लार्ज एंड ड्रीमी आईज। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। देर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। तो प्रिंस ने कहा कि सैलो सै अबाबील अबाबील छोटे अबाबील, तो मैं एक यंग मैन नू गैरेट विच अटारी विच जिहड़ा छत दे उपर छोटा जा कमरा उधर एक बंदे नू देखिया। तो लीड का मतलब हुंदा चुकिया होया, तो वह कागजा नाल भरी मेज़ ते चुकिया होया, तो उसके टेबल ते ग्लास पिया जिस विच विदर्ड वॉयलेट्स ने भी मुरझाए हुए वॉयलेट्स हैं बनवशा दे फुल हैं। तो वो जिहड़ा बंदा है वो डायरेक्टर लई प्ले फिनिश करना चाहुंदा है बट इन्नी ज़्यादा ठंड है कि वह प्ले फिनिश नहीं कर पा रहा। तो ग्रेट उसकी पट्ठी विच कोई अग भी नहीं है, तो भुख के कारण वह फेंट हो रहा, बेहोश हो रहा। आई विल वेट विद यू वन नाइट लोंगर, सैट द स्वेलो हू रियली हैड अ गुड हार्ट। ही आस्ड इफ ही कुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार, कि वह बंदा तो नाटककार है ना जो फेंट हो रहा। तो अब्बा बीन ने कहा कि मैं एक रात होर रुकण लई तैयार हाँ, भी तेरा दिल बहुत चंगा है कि मैं एक जिहड़ा रूबी है वह उस नाटककार नूं दे दाँ। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सैट द प्रिंस, माई आईज आर ऑल आई हैव लैफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स विच वर ब्रॉड आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. He ordered the seller to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. ते पर उस कोल ते रूबी ते पहले ही जा चुके हैं। ते उसने कहा, हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरे को ते रूबी हुण है ही नहीं, मेरे को हीरा ते है ही नहीं, लाल हीरा, पर मेरे यहाँ अखां विच सफायर नीलम जरूर हैगा, ते वो जड़ा नीलम है वो 1000 साल पहला इंडिया तो आया सीगा, ते तू वो प्लेराइट नू दे दे, वो वेच देगा, ते उस कोल फायरवुड भी आ जाएगी, ते वो अपना प्ले भी फिनिश कर पाएगा। डियर प्रिंस, सैट द स्वेलो, आई कैनॉट डू डैट एंड ही बिगेन टू वीप। ते अब्बा बील स्वेलो ने की कहा कि मैं हूँ कि डियर प्रिंस मैं अजिहा नहीं कर सकता। स्वेलो स्वेलो लिटल स्वेलो, सैट द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, कि उस तरह ही कर जिस तरह मैं तेनू किया। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट। तो फिर इस तरह ही किया भी उसने अखा विचों जड़े नीलम नू कढ लिया तो चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गैट इन एज देर वॉज अ होल इन द रूफ। तो उधर जाना बहुत ही सौखा सीगा क्योंकि छत विच एक होल सीगा। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। तो होल दे थ्रू डार्टेड का मतलब है कि अंदर चला गया तेजी नाल, कि वह होल दे थ्रू कमरे तेजी नाल कमरे में चला गया। द यंग मैन हैड हिज हैट बरेड इन हिज हैंड सो ही डिड नॉट हीयर द फ्लटर। तो उस बंदे ने अपना जिहड़ा अपने हत्थां विच अपना सारा छुपाया होया सीगा, तो उसनू आवाज़ सुनाई नहीं दित्ती। हीयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड विंग्स, उसनू बर्ड दे आण दा पता नहीं लग्या। एंड वैन ही लुकड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स। तो जदों उठ्या उसने देखा भी एक सफायर एक नीलम पिया है मुरझाए हुए फुलां दे कोल। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रीशिएटेड, हुण मेरी प्रशंसा हुण लगी है, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ए किसी वड्डे प्रशंसक कोलों आया, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। तो उसने यह सोचा कि हुण मैं अपना प्ले अपना नाटक फिनिश कर लाँगा, तो काफ़ी खुश सीगा। द नैक्सट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन अबाबील बंदरगाह वल उड़ के चला गया। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਰਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द सेलो। तो सेलो ने कहा कि हूँ तो मैं इजिप्ट जा रहा, बट नोबडी माइंडेड, हूँ किसी ने उसकी गल वल ध्यान ना दिता। एंड वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, से राती वो हैप्पी प्रिंस को वापस चला गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, तो उसने कहा बाबिल ने हैप्पी प्रिंस को कहा कि हूँ मैं तेन गुड बाय कहने नहीं आया हाँ। स्वैलो स्वैलो लिटल स्वैलो, सैट द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लोंगर। कि फिर उसने कहा कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल की तो एक रात होर नहीं रुकेगा। इट इज विंटर आंसर्ड द स्वैलो, एंड स्नो विल बी हेयर इन इजिप्ट, द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट दैम। तो अबाबिल ने की कहा, स्वैलो ने की कहा कि इतने तो बहुत ज्यादा सर्दी है, तो जल्दी ही इतने बर्फ भी पै जाएगी, तो मिस्र इजिप्ट हरे भरे खजूर के दरखत उपर वधिया धुप पै रही है, अते चिकड़ विच लेटे हुए मगरमच्छ क्रोकोडाइल सुस्तांदे हुए चारे पासे देख रहे हैं। इन द स्क्वेयर बिलो, स्क्वेयर का मतलब हुंदा चौराहा, सैट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटल मैच गर्ल, वी चौराहे विच एक माचिस वेचण वाली एक छोटी जी कुड़ी है। शी हैज लेट हर मैचिस फॉल इन द गटर, वी उसकी माचिस है वो गटर विच डिग चुकी है, एंड देयर ऑल स्पॉइल्ड, खराब भी हो गई है। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट bring home some money, and she is crying, वी उसका बाप है उसनु कुट्टूगा जो करे पैसे ना लेके गई, and she is crying, तो कुड़ी रो भी रही है। She has no shoes or stocking, and her little head is bare, कि उसको बूट भी नहीं है, जुराबा भी नहीं है, तो उसका जोड़ा सर है वह भी टकया हुआ नहीं है। Pluck out my another eye and give it to her, and her father will not beat her, कि तो दूजी अख का भी जोड़ा सफायर है वह कड के उसनु दिया, तो उसका प्यो है उसनु मारूगा नहीं। I will stay with you one night longer, said the sailor, but I cannot pluck out your eye, you would be quite blind then, कि मैं तेरे नाल कि मैं एक रात होर तो रुकने लिए तैयार हाँ, बट मैं तेरी अख नहीं कड्डांगी, भी तेनों कुछ दिसेगा नहीं। तो स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस से स्टैचू नूं कहा, स्वैलो स्वैलो लिटल स्वैलो, सैट द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, भी जो मैं तेनों कहा तू वही कर। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड। तो फिर मैच फिर जरा स्वैलो है मैच गर्ल को गया, बाचिस बेचण वाली कुड़ी को गया, तो उसके हत्था विच उसनू दे दिता जेड़ा सफायर सीगा। वट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटल गर्ल एंड शी रैन होम लाफिंग, किन्ना सुंदर कंच का टुकड़ा, तो उस कुड़ी ने कहा, तो वह भजदे भजदे खुशी नाल घर चली गई। दैन द सेलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सैड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तो सेलो ने कहा कि हुण ते तेनू कुछ दिस नहीं रहा, कि मैं हुण हमेशा तेरे नाल ही रहांगा। No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. We hunt to Egypt and Misr chala cha. No, I will stay with you always, said the swallow. And he slept at the prince's feet. Ki usne kaha ki main nahi jana te prince de pairan wala so gaya. All the next day he sat on prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. Te usne anokhe deshan di kahaniyan sunaiyan. Swallow ne प्रिंस दे स्टैचू नू अगले दिन। डियर लिटल स्वैलो, सैट द प्रिंस, यू टैल मी ऑफ मार्वलैस थिंग्स, बट मोर मार्वलैस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड ऑफ वूमेन, देर इज नो मिस्ट्री सो एज ग्रेट एज मिस्री, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटल स्वैलो एंड टैल मी वट यू सी देयर। प्यारे छोटे बाबील, ओ हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैं तेरे तो अनोखियां गल्लां सुन रहा, बट किसी भी चीज़ तो वध अनोखा आदमियों ते औरतों का दुख हुंदा। कोई भी रहस्य कोई भी मिस्ट्री इन्ना वड्डा नहीं हुंदा दैन एज ग्रेट एज मिस्री, भी गरीबी ते पीड़ा का रहस्य बहुत ज़्यादा वड्डा हुंदा। ते छोटे अप्पा भी स्वैलो, तू इस तरह करके शहर के उपर उड़ के मैनू दस कि तेनू की दिखाई दे रहा। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. ते अबाबिल ने की देखा, स्वैलो ने देखा भी जड़े अमीर लोग ने वो बहुत खुश ने, ते जड़े beggars ने भिखारी ने वो gates ते बैठे ने। He flew into dark lanes and saw white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. लुकिंग आउट लिस्टलैसली मतलब है कि उदासी नाल इधर उधर देख रहे सन, तो बच्चे भुखे भी सन।
अंडर द आर्क वे, आर्क वे होंगे पुल के थले का रस्ता, कि पुल के थले ऑफ अ ब्रिज टू लिटल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदरस आर्म्स टू ट्राई टू कीप दैमसेल्व वार्म, भी वो दो बच्चे एक दूजे एक दूजे दावों में सन, क्यों सन, ताकि एक दूजे मीनस कि उन्होंने ठंड ना लगे, इस करके हो हंगरी वी आर दे सैट, तो उन्होंने वो भुखे भी सन, तो आपस में गल कर रहे कि असं किन्ने भुखे हाँ। तो उन्होंने वॉचमैन की कह रहा है, वॉचमैन उन्होंने कह रहा, यू मस्ट नॉट लाई हेयर, ही शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन टू द रेन, कि वह गरीब बच्चे ने उन्हें भुख भी लगी हुई है, ठंड भी लग रही है, तो वॉचमैन कह रहा कि तुम इधर सो नहीं सकते, तो मीह बच्च इधर उधर चले गए। दैन ही फ्लू बैक टू एंड टोल्ड द प्रिंस वट ही हैड सीन, तो फिर उस तो बाद उसने दसिया स्वैलो ने प्रिंस नू भी की हो रहा इधर। I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. फिर हैप्पी प्रिंसेस स्टैचू ने उसनों कहा, अब्बा बिल पंछी नू इस तरह कर, मेरे जो मेरी बॉडी गोल्ड नाल ढकी हुई है, तो यह जो गोल्ड है सोना उतार के गरीब लोगों को दिया, तो उस नाल वह खुश हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द सैलो पिकड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुकड क्वाइट डल एंड ग्रे, तो उसका सन सारा सोना उतर चुकया, तो हूँ काफ़ी डल और ग्रे लग रहा है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड ही ब्रॉड टू द पुअर एंड चिल्ड्रंस फेसिस ग्रो रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, तो जेड गरीब बच्चे से वो खुश हो गए, तो उन्होंने कहा कि हूँ तो काफ़ी खुश हो गए, तो उन्होंने कहा कि हूँ साढ़े को रोटी भी आ जाएगी। Then the snow came, and after the snow came the frost. ते पहला बर्फ पै गई, बर्फ के नाल कोहरा भी पै गया। The street looked safe as if they were made of silver. तो हुण इन्नी ज़्यादा ठंड है कि इस तरह लग रहा है भी जिहड़ी पूरी गली है वह सिल्वर की बनी हुई है। Everybody went about in furs, and little boys wore scarlet caps and skated on the ice. तो हर कोई है फर दे कपड़े, कि सर्दियों में फर का कपड़ा वो वाला काफ़ी फेमस होंगे, भी हर कोई है फर वाले कपड़े पा के जा रहा है, घूम रहा है, ठंड इन्नी ज़्यादा सी। तो स्कारलेट कैप्स होंगे लाल टोपी, तो जो छोटे बच्चे ने लाल टोपियां पा के आइस विच स्केटिंग कर रहे सन। द पुअर लिटल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वैल, हूँ इन्नी सर्दी में भी जोड़ा स्वैलो है अब्बा भील है उसनों छड़ के नहीं गया, क्योंकि वह हैप्पी प्रिंस को बहुत प्यार करता सीगा। ही पिकड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकरस डोर वैन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसैल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो हूँ अपना गुजारा किस तरह करता सीगा अब्बा बीर पंछी स्वैलो, कि वह बेकर दी बेकरी दो बाहर जोड़े ब्रैड के छोटे छोटे टुकड़े होंगे वह खाता सीगा, तो अपने खंभ फटफड़ा के अपने आप को गर्म रखता सीगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पै रही है। बट एट लास्ट ही न्यू ही वॉज गोइंग टू डाई, तो हूँ अब्बा बिल पंछी यह पता लग गया भी उसने मर जाना। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, कि उसको हूँ इन्नी ही ताकत बची है कि बस एक ही बार वो एक बार सिंगल वार सिंगल टाइम वो प्रिंस के शोल्डर के कोल उठ सकता है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, विल यू लैट मी किस योर हैंड, तो हूँ उसने कहा कि गुड बाय करता प्रिंस नू, तो उसने कहा कि तू मैनू कि मैं तेरा हथ किस कर हथ से किस कर सकता हाँ। आई एम ग्लैड That you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. हुण प्रिंस ने कहा कि मैनू खुशी है कि तू इजिप्ट जा रहे हैं। You have stayed too long here, but you must kiss me on lips, for I love you. तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि तू इधर काफ़ी देर रुकया रहा, तो तू मैन पर तेनों मेरे बुलों पर किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तेनों प्यार करता हाँ। It is not Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is a brother of sleep. Is it not? The swallow ne kaha ki main Misr nahi ja raha, ki main maut de ghar ja raha, ki maut neend da praya ki ajeha nahi hai. And he kissed the happy prince on the lips and fell down at his feet. Te fir usne uske lips se kiss kita, te fir dig paya jada abba beel panchi hai. At the moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. ते जदों अब्बा बील डिग गया मर भी गया, तो हूँ स्टैचू तो भी क्रैकिंग साउंड आ गई जिमें कुछ टुटिया। द फैक्ट इज दैट लैडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, तो जोड़ा हैप्पी प्रिंस का जोड़ा हार्ट है वह लैड का बनया हुआ, वह भी दो पीसिस हो गया, भी उसके दिल के भी दो टुकड़े हो गए ने। It suddenly was a dreadful hard frost.
कि निश्चित ही भयानक ढंग कोहरा पै रहा सी। अर्ली द नैक्सट मॉर्निंग अ मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन द कंपनी विद द टाउन कौंसलरस। भी अगली सवेरे मेयर भी उतों लंघ रहा है टाउन कौंसलरस के नाल। एज ए पास द कॉलम ही लुक एट द स्टैचू। डीयर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सैड। शैबी का मतलब होंगे भद्दा, कि फिर उसने कहा भी कि शैबी लग रहा हैप्पी प्रिंस। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन कौंसलरस हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट टू लुक एट इट। तो हुण टाउन कौंसलरस ने भी उसकी हाँ विच हाँ मिलाई मेयर की, तो उन्होंने कहा भी हाँ यह भी भद्दा लग रहा, तो उधर देखने चले गए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड। किसी तलवार विचों हीरा भी डिग पे लाल हीरा। हिज आईज आर गॉन उसकी अखा भी नहीं हैं। ही एंड ही इज गोल्डन नो लोंगर। तो हूँ उसका सोना भी उतर चुका, गोल्डन भी बिल्कुल नहीं है। इन फैक्ट ही इज लिटल बैगर बैटर दैन अ बैगर। तो मेयर यह कह रहा है कि हूँ भिखारी तो भी कोई वधिया नहीं है जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है। लिटल बैटर दैन अ बैगर सैड द टाउन कौंसलर। सो टाउन कौंसलरस ने भी हाँ विच हाँ मिलाई। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डैड बर्ड एट हिज फीट। तो उसके पैरों में एक डैड बर्ड है। कॉन्टीन्यूड द मेयर वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हेयर। प्रोक्लेमेशन का मतलब है घोषणा, भी सानू घोषणा कर देनी चाहिए कि बर्ड्स नू इधर मरण की इजाजत नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। टाउन क्लर्क ने सजेशन नोट कर लिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। फिर हैप्पी प्रिंस स्टैचू उतारा गया। एंड ही इज नो लोंगर ब्यूटीफुल ही इज नो लोंगर यूजफुल सैट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा कि हूँ यह ब्यूटीफुल भी नहीं है तो यूजफुल भी नहीं है। दैन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फरनेस। फिर पट्ठे में स्टैचू को गर्म किया गया, मेल्ट किया गया। वट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी हैरानी की गल है सैट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। तो जो गर्म किया जा रहा है तो कारखाने में एक बंदा कह रहा है कि कितनी अजीब जी चीज़ है। दिस ब्रोकन लैड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फरनेस वी मस्ट थ्रो इट अवे। कि जरा इस लैड का हार्ट है, सिक्के का हार्ट है, यह पट्ठे भी गर्म नहीं होगा तो असी इनू सुट देंगे। सो दे थ्रू इट इन टू द डस्ट हीप वेयर द डेड सैलो वॉज ऑलसो लाइंग। तो कूड़े के ढेर को सुट दिता गया जिते डेड सैलो भी पई सी, उस मीनिंग्स कि अब्बा वीर पंछी की बॉडी पई सी। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. The angels hunda farishta vi hun God ne angel nu kya farishte nu kya vi sheher vich do sab to vadh kimti cheezan leke aao. And the angel brought him leaden heart and the dead bird. The angel ne ki chunya, angel leke gaya leaden heart, happy prince da heart ate dead bird swallow. You have rightly chosen, said God. The God ne kya angel nu ki tu bahut sahi chunya. For in my garden of paradise, this little bird shall sing forever more in my city of gold and happy prince shall praise me. ते गॉड ने की कहा कि मेरे स्वर्ग वाले बगीचे विच है जड़ा छोटा जा पंछी है बाबिल पंछी है भविख विच सदा दे लई गाएगा ते हैप्पी प्रिंस मेरे सुनहरे नगर विच मेरा हमेशा गुणगान करेगा। तो दोस्तों ऐसी की प्यार ते बलिदान की कहानी द हैप्पी प्रिंस। मैंने पूरी उम्मीद है कि आप सारे यह कहानी बहुत ही चंगी तरह समझ आ गई होनी। अगले वीडियो में असं इस क्वेश्चन आंसरस करांगे।